हर बार व्यूज़ और सब्सक्राइबर मैटर नहीं करते किसी चैनल को डिटरमाइन करने के लिए न्यू चैनल्स भी होते हैं जिनको आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है सो वेलकम टू टूडेज़ वीडियो और आज का हमारा फुल फ्लैज टॉपिक होगा टेंसेज जो कि स्टार्ट से लेकर एंड तक तमाम कंसेप्ट हम इसके अंदर क्लियर कर लेंगे सो बिफोर हैडिंग टू अवर टेंसिस वीडियो आई वुड लाइक टू आस यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर इंग्लिश एंड ग्रामेटिकल वीडियोज़ आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है दिस इज़ अव चैनल जो कि फर्दर वीडियोज़ बनाता रहेगा तो आज हम सबसे पहले कंसेप्ट की बात करेंगे जो है टेंसिस टेंसिस बेसिकली होता क्या है टेंस का मीनिंग क्या है तो टेंस बेसिकली हमारे पास दो चीज़ों को शो करता है एक होता है टाइम और दूसरा होता है वर्क कि कौन सा काम किस वक्त में किया जा रहा है ये टेंसेस बेसिकली शो करते हैं अब हमारे पास एक टेंस की फर्दर कौन कौन सी टाइप्स होती हैं एक होता है सिंपल कंटिन्यूस इसके अलावा हमारे पास परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस ये चार टाइप्स जो हैं वो हमारे पास एक टेंस की होती हैं हर टेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे सबसे पहले जी है प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस क्या होता है प्रेजेंट टेंस के अंदर काम जो है वो करंट टाइम के अंदर हो रहा होता है सबसे पहले हम इसके हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे तो प्रेजेंट टेंस के अंदर कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा यहाँ पर डू एंड डस का हेल्पिंग वर्ब आएगा कौन सा आएगा डू एंड डस इसके अलावा कंटिन्यूस में इज़ एम आर का यूज़ किया जाएगा और परफेक्ट में हैज़ हेफ़ का यूज़ किया जाएगा जो फर्दर आगे चल के आपको क्लियर हो जाएगा सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस हम हर सेंटेंस के स्ट्रक्चर को उसका अफर्मेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को करेंगे विद एग्जांपल्स सबसे पहले अफर्मेटिव में हम इसकी जो है स्ट्रक्चर uh, देख लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा एस ई एस आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा अब यहाँ पे आप लोगों के माइंड में फ़ौरन आया कि एस और ई e एस किसके साथ यूज़ होगा तो जब हम किसी थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो तब हमारे पास एस और ई e एस यूज़ होगा अदरवाइज फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ एस और डी e एस का कोई यूज़ नहीं होगा अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं अफर्मेटिव की फॉर एग्ज़ाम्पल आई राइड ऑन वाइट बोर्ड यहाँ पे हमारे पास अब हम फर्स्ट पर्सन की बात की है तो एस और डी e एस यूज़ नहीं होगा सेकंड एग्जांपल है सेकंड पर्सन की यू नो हिम आप उसे जानते हैं यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड यूज़ करें अब यहाँ पे हम कुनाल के थर्ड एग्जांपल में कनाल के बारे में बात करेंगे कुनाल लिव्स विद मी ठीक है अब यहाँ पे हम एस और एस का यूज़ किया है वाई बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन अब हमारे पास नेगेटिव है नेगेटिव में बेसिकली हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास जो है नॉट का यूज़ होता है और बाकी स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है जो हमारे पास एफर्मेटिव है उसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे जबकि नेगेटिव में डू do एंटर्स का हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट राइट आई आई डू नॉट राइट ऑन बोर्ड मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा डू क्या है हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हुआ नॉट अब डू जो है हमारे पास किसके साथ आएगा डू हमारे पास प्लूर के साथ आएगा और आई आए के साथ आएगा जबकि डस जो है वो सिंगुलर के साथ आएगा मोस्टली जो चीज़ें प्लुरर होती हैं आई वी उनके साथ आता है अब अगर देखेंगे कि इन क्या होता है इन में बेसिकली हम जो है किसी का क्वेश्चन पूछते हैं ठीक है थीके? ये स्टार्ट करता है विद द हेल्पिंग वर्ब अब हमारे पास जैसे कि डू एंड डस का हेल्पिंग वर्ब पहले यूज हो रहा था तो हम डू एंड डस से इसको स्टार्ट करेंगे प्लस सब्जेक्ट first form verb and object remember that to put the question mark at the end for example do you play क्या आप खेलते हो आगे हम question लगाएंगे does he teach you कि वो आपको पढ़ाता है तो जिसके अंदर भी हम क्वेश्चन पूछेंगे वो हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा आगे हमारे पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है कंटिन्यूस बेसिकली जहाँ भी आपके पास आए उससे ये बात क्लियर हो जाती है कि उसके अंदर काम जो है वो किया जा रहा है इसका सबसे पहले अफर्मेटिव देखेंगे सब्जेक्ट के साथ हम इज एम आर का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे फर्स्ट ऑफ वर्ब होगी और आई एन जी और ऑब्जेक्ट इसके अंदर यूज़ किया जाएगा आपका इसके एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें तो वो है आई एम कमिंग मैं आ रही हूँ तो अब क्या है आई के साथ क्या यूज़ हुआ है एम यूज़ हुआ है ठीक है कम जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ हमने आई एन टी लगा लिया सेकंड एग्जांपल है शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है तो कंटिन्यू में कोई काम हो रहा होता है होने की हालत में हो रहा होता है फिर हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव में मैंने बताया है कि आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ड के बाद नॉट का यूज़ कर लेना है और बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहता है ठीक है जैसे पिछले था कि आई एम कमिंग तो आप लिख दें आई एम नॉट कमिंग तो इसी तरीके से ये हमारे पास है एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं योर ब्रदर इज़ नॉट कॉलिंग यू आपका भाई आपको कॉल नहीं कर रहा इंट है इंट में मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ड जो है वो स्टार पे आ जाएगा बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा और एंड पे हम जो है वो क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे इंट में हम जो है क्वेश्चन मार्क जो है वो एंड पे लाजमी यूज़ करना है इंट में बेसिकली हम क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम्पल है आर यू टॉकिंग टू मी क्या आप मुझसे बात कर रहे हो तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था अब है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेस्ट जिसके अंदर जो है हेल्पिंग वर्ड हैज़ एंड हैफ़ का यूज़ होगा अब हमारे पास इसके अंदर भी सबसे पहले हम अफर्मेटिव की बात करेंगे सब्जेक्ट है हैज़ ऐफ प्लस एम वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट एम वी थ्री स्टैंड फॉर हेल्पिंग वर्ब सॉरी वर्ड की थर्ड फॉर्म जो है यहाँ पर यूज़ की जाएगी और हैज़ एफ का यूज़ होगा हैज़ जो है वो सिंगुलर के साथ यूज़ होगा जबकि हैव जो है वो प्लूलर और आई के साथ यूज़ होगा फॉर एग्जाम्पल आई हैव ईटन द फूड आई हैव ईटन द फूड आई के साथ क्या लगा हैव लगा ईट की थर्ड फॉर्म ईटन ही हैज़ मेट यू मीट की थर्ड फॉर्म मेट फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगा हैज़ इसके बाद हमारे पास नेगेटिव ऑलरेडी टोल्ड यू कि नेगेटिव में जो है नॉट का यूज़ किया जाता है आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव ठीक है अब इसके अंदर भी जो है वो हम एग्जांपल को देखेंगे फॉर एग्जांपल आई हैव नॉट रिटन अ लेटर ठीक है हैव के साथ आई के साथ हैव आया और उसके बाद जो है हमने नॉट का यूज़ किया है फिर है इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाएगा बाकी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा और एट द एंड क्या यूज होगा रिमेंबर दैट क्वेश्चन मार्क मस्ट यूज़ होगा अब इंटेरोगेटिव में हमारे पास है कि हैव यू वोन द मैच क्या आप मैच जीते हो हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट पर आ गया है अब प्रेजेंट अब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस है जो कि हमारा प्रेजेंट टेंस का जो है वो लास्ट पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा हमने तमाम हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ कर लिए हैं अब हम इसके अंदर बीन के एडिशन कर देंगे हैज़ हेजेप के साथ बीन यूज़ होगा दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस इसके अंदर अफर्मेटिव है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ हैप का यूज़ करेंगे और साथ बीन का यूज़ करेंगे सिमिलरली फर्स्ट फॉर्म ऑफ यज वर्ब यूज़ होगी कंटिन्यूस टेंस है तो आई वगैरह यूज़ का और इसके साथ साथ हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूज है तो इसमें हम सिंस और फॉर का कर यूज़ करेंगे और हम टाइम शो करेंगे कि काम जो कौन सा काम जो है वो कब से हो रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव बीन राइटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग अब यहाँ पे और भी कंसेप्ट आता है कि सिंस के साथ किसके साथ यूज़ होगा और फॉर किसके साथ यूज़ होगा अगर हम जो है एग्जैक्ट टाइम जानते हों तो हम सेंस यूज करेंगे और अगर जो है वो हम एग्जैक्ट टाइम ना जानते हों तब जो है हमारे पास फॉर का यूज होगा सिमिलरली नेगेटिव में हमारे पास हैज़ हैव बीन के बाद जो है वो हैज़ हैव के बाद नॉट लग जाएगा और बीन जो है वो नॉट के बाद आएगा ऑल एज रिम्बर कि हैज़ ऐफ पहले आएगा फिर नॉट आएगा और फिर जो है वो बीन के एडिशन सेंटेंस के अंदर हो गए एग्जाम्पल से आप लोगों को जो है ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल योर सन हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर टू डेज़ अब टू डेज़ के साथ हमने फॉर क्यों लगाया क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से टू डेज़ के बारे में बात की जा रही है ठीक है और योर सन हैज़ के बाद हमारे पास फर्स्ट पर्सन था तो हमने हेज़ यूज़ किया हैज़ के बाद हमने नॉट यूज़ किया और फिर जो है बीन की एडिशन हुई फॉर एक्जाम्पल शाजिया हैज़ नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस इवनिंग हमें पता है कि वो इवनिंग से पढ़ रही है इसलिए जो है हम सिंस का यूज़ करेंगे ठीक है सिंस जो है वो एग्जैक्ट टाइम नोन टाइम के लिए यूज़ किया जाता है फिर हमें इंटेरोगेटिव हैज एफ को स्टार्ट कर देंगे सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस आई एन सी एन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और क्वेश्चन मार्क विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन पूछने की जो है एक सिम्बल होती है अब एग्जांपल हम लेंगे फॉर एग्जांपल हैव यू बीन वर्किंग हेयर फॉर टेन इयर्स क्या आप यहाँ पे दस सालों से काम कर रहे हो आप कौन से दस साल इसके बारे में हमें नहीं पता